दोस्तों 15 दिसंबर सन 2000 को महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जीवनी पर बनी बायोग्राफिकल फिल्म रिलीज हुई थी। इस वीडियो में मैं इसी फिल्म को बनाने से जुड़ी कुछ बातें शेयर करूंगा। फिल्म को डायरेक्ट किया था डॉक्टर जब्बार पटेल जी ने और बाबा साहेब अम्बेडकर जी का रोल किया था मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार मम्मूटी ने। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं फिल्म से जुड़ी सभी बातें शेयर करूंगा। इस वीडियो में आप जानेंगे ये महान फिल्म बनाना कितना कठिन था, क्या क्या रिसर्च करने पड़े थे, फिल्म का बजट कितना था और कैसे फिल्म बनाने के लिए पैसों का इंतजाम किया गया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी एक महान शख्सियत थे। उनकी पर्सनालिटी और उनके जैसा दिखने वाला कोई चेहरा डॉक्टर जब्बार पटेल को नहीं मिल रहा था। फिर कैसे उनको मिले साउथ के सुपरस्टार मम्मूटी और आप जानेंगे कितनी मेहनत की मम्मूटी ने इस फिल्म के लिए। मम्मूटी शुरू में ये रोल नहीं करना चाहते थे, फिर कैसे मान गए थे। इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा फिल्म के रिलीज हो जाने के बाद में कैसा रहा सभी का रिस्पांस और इस फिल्म को कितने अवार्ड्स मिले थे। तो ये सब बातें जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वेलकम टू अवर चैनल सिने अर्ह। दोस्तों शुरुआत करते फिल्म कैसे बनी इस बात से। डॉक्टर बाबा साहेब जी के जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव आए थे। फिल्म में उनकी पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में दिखाने के लिए बहुत कुछ था। सन 1988 और 89 में डॉक्टर जब्बार पटेल फिल्म डिवीजन के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे। उसी दौरान डॉक्टर जब्बार पटेल ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन पे काफी रिसर्च किया था। कई सारी बायोग्राफीज और आर्टिकल्स जो बाबा साहब जी ने लिखे थे और जो दूसरों ने बाबा साहब के ऊपर लिखे थे वो सभी डॉक्टर जब्बार पटेल ने पढ़ लिए थे और तो और काफी सारे लोगों से मिलकर जानकारी भी हासिल कर ली थी। अब तो डॉक्टर जब्बार पटेल जी के पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई थी कि उनको लगा ये एक डॉक्यूमेंट्री नहीं बल्कि 2.5 घंटे की पूरी फिल्म बन सकती है। इसी बीच महाराष्ट्र के कमेटी मीटिंग में डॉक्टर जब्बार पटेल जी समाज सुधारक मृणाल गोरे जी से मिले थे। उन्होंने उस मीटिंग में मृणाल गोरे जी से कहा उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पे एक फिल्म बनाई जा सकती है। सन 1982 में गांधी जी के ऊपर एक फिल्म बनी थी। डॉक्टर जब्बार पटेल भी उसी स्तर की बड़ी मूवी बनाना चाहते थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन पे जो इंडिया के ऑडियंस के साथ साथ इंटरनेशनल ऑडियंस भी देखे। मृणाल गोरे जी को जब्बार पटेल जी की बात अच्छी लगी और उन्होंने अपने भाषण में वहाँ पे सभी मौजूद लोगों से अपील किया कि वो डॉक्टर जब्बार पटेल को सपोर्ट करें। वहाँ पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री शरद पवार भी मौजूद थे। शरद पवार जी को भी डॉक्टर जब्बार पटेल की बात अच्छी लगी और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की ओर से 1 करोड़ का फंड देने का आश्वासन दिया। जब्बार पटेल जी ने शरद पवार जी से कहा 1 करोड़ काफी नहीं होगा इतने बड़ी स्तर की फिल्म बनाने के लिए। तब शरद पवार जी ने कहा वो और राज्यों से भी अपील करेंगे फंड देने के लिए। इस मीटिंग के 3 महीने बाद शरद पवार जी डॉक्टर जब्बार पटेल जी को लेकर दिल्ली चले गए उस वक्त के पंत प्रधान श्री चंद्रशेखर जी से मिलने के लिए। चंद्रशेखर जी को भी बाबा साहब के ऊपर फिल्म बनाने की बात बहुत ही पसंद आई और उन्होंने अपनी सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए का फंड सैंक्शन कर दिया। तो इस तरह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फिल्म के लिए 6 करोड़ का बजट का इंतजाम हो गया। प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर जी ने डॉक्टर जब्बार पटेल को ही फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए कहा था, लेकिन जब्बार पटेल जी फिल्म डायरेक्शन और टेक्निकल बातों पे ध्यान देना चाहते थे। इसीलिए जब्बार पटेल ने फिल्म प्रोडक्शन की जिम्मेदारी NFDC के MD रवि गुप्ता को सौंप दी। श्री रवि गुप्ता डॉक्टर जब्बार पटेल जी के मित्र भी थे और वो NFDC की ओर से फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार भी हो गए। दोस्तों मैं आगे बताऊंगा डॉक्टर जब्बार पटेल जी को बाबा साहब के रोल के लिए मम्मूटी कैसे मिले। तो इस वीडियो को पूरा देखे एंड तक। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों बात करते हैं डॉक्टर जब्बार पटेल जी को मम्मूटी सर कैसे मिले बाबा साहब का रोल करने के लिए। बाबा साहब का रोल में किसी को भी लेना आसान काम नहीं था। बाबा साहब के रोल के लिए डॉक्टर जब्बार पटेल जी पहले इंडियन एक्टर्स के फोटोज वीडियोस और बायोडाटा देख रहे थे, लेकिन एक भी प्रोफाइल बाबा साहब के रोल के लिए उनको फिट नहीं लग रहा था। वो बहुत ही मायूस हो गए थे। जब्बार पटेल जी ने बाबा साहब पे बहुत रिसर्च किया था और काफी सारे लोगों से मिले थे। महाड़ महाराष्ट्र में बाबा साहब एक आदमी से मिले थे जो बाबा साहब के मसाज किया करता था जब भी बाबा साहब महाड़ आते थे।
जब्बार पटेल जी ने उस आदमी से पूछा था, बाबा साहब दिखने में कैसे थे, गोरे थे या काले थे या सांवले थे? आमतौर पे लोग ये सोचते होंगे कि शायद बाबा साहब काले या सांवले होंगे। उस आदमी ने जब्बार पटेल जी को आश्चर्यचकित कर दिया ये बताकर बाबा साहब गोरे थे और जब हंसते थे तब खुलकर हंसते थे। हंसते वक्त बाबा साहब के गाल कश्मीरी एप्पल की तरह, सेब की तरह लाल हो जाते थे। तब जब्बार पटेल जी को लगा बाबा साहब के रोल के लिए कोई इंग्लिश एक्टर को भी लिया जा सकता है। जैसे 1982 की गांधी फिल्म में गांधी जी का रोल किया था इंग्लिश एक्टर बेन किंग्सले ने। फिर एक दिन डॉक्टर जब्बार पटेल ने NFDC के MD गुप्ता से कहा, क्यों ना हम दूसरे देशों के एक्टर्स के बारे में भी सोचें बाबा साहब के रोल के लिए। रोहित गुप्ता भी जब्बार पटेल से सहमत हो गए। फिर जब्बार पटेल ने लंदन के कास्टिंग डायरेक्टर प्रिसिला जून को कॉन्टेक्ट किया। जब्बार पटेल फिर लंदन भी चले गए अपने बाबा साहब को ढूंढने के लिए। प्रिसिला जून ने जब्बार पटेल को तकरीबन 600 से 700 फोटोज और वीडियोस दिखाए बाबा साहब के रोल के लिए। जब्बार पटेल जी को अमेरिकन एक्टर रॉबर्ट डी नीरो ठीक लगे इस रोल के लिए, लेकिन एक दिक्कत थी, वो थी इंग्लिश एक्सेंट की। बाबा साहब की ऑक्सफोर्ड इंग्लिश एक्सेंट थी, मतलब बाबा साहब का इंग्लिश बोलने का लहजा ब्रिटिश ऑक्सफोर्ड स्टाइल का था। रॉबर्ट डी नीरो ये अमेरिकन एक्टर होने की वजह से उनकी अमेरिकन एक्सेंट थी, मतलब उनका अमेरिकन लहजा था। रॉबर्ट डी नीरो ने ये रोल इसलिए नहीं किया क्योंकि वो अपने अमेरिकन इंग्लिश की जगह ऑक्सफोर्ड स्टाइल के इंग्लिश डायलॉग्स नहीं बोल पाते। जब्बार पटेल जी फिर से मायूस होकर इंडिया लौटे। बाबा साहब की दूसरी पत्नी माई अंबेडकर यानी सविता अंबेडकर जी जब्बार पटेल से अक्सर पूछती, क्या आपको आपके अंबेडकर मिल गए? जब्बार पटेल जी के ना कहने से सविता अंबेडकर जी को गर्व महसूस होता, उनके पति है ही इतने हैंडसम और गुड लुकिंग जो इतने आसानी से नहीं मिलेंगे। कहते हैं ना, अगर हम दिल से कुछ हासिल करना चाहे, मेहनत करें तो पूरी कायनात मदद करती है वो चीज दिलाने में। एक दिन जब्बार पटेल जी रेलवे स्टेशन पे फिल्म फेयर मैगजीन पढ़ रहे थे। उस मैगजीन में मम्मूटी सर की फोटो छपी थी। उस फोटो में मम्मूटी सर ने गॉगल पहना था। जब्बार पटेल जी ने बिल्कुल उसी तरह की बाबा साहब की एक फोटो एक किताब पे देखी थी। वो किताब थी बाबा साहब की बायोग्राफी जो धनंजय खेर ने लिखी थी। जब्बार पटेल को मम्मूटी में अपने बाबा साहब नजर आ रहे थे। उन्होंने ये फोटो रवि गुप्ता को भी दिखाया और वो भी तुरंत मान गए, यस वी हैव फाउंड अवर अंबेडकर। जब्बार पटेल जी ने कुछ और फोटोज देखे मम्मूटी सर की। फिर पूना के एक फोटोग्राफर मिस्टर यवलकर को कॉन्टेक्ट किया और कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए मम्मूटी सर के चेहरे को बाबा साहब जैसा बनाने को कहा। ऐसे 4 फोटोज बनाए गए जिसको बनाने में 2 महीने का वक्त लगा। फोटोज में मम्मूटी सर की मूछें गायब कर दी गई और हेयर स्टाइल बदल कर मम्मूटी सर अब बिल्कुल बाबा साहब लग रहे थे। अब तक जब्बार पटेल जी ने मम्मूटी सर को कांटेक्ट नहीं किया था। मम्मूटी सर को इस बात की कोई आइडिया नहीं थी। फोटोज देखने के बाद जब जब्बार पटेल जी को कॉन्फिडेंस हो गया, उसी के बाद उन्होंने मम्मूटी सर से मिलने की सोची। जब्बार पटेल जी ने अपने दोस्त अडूर गोपाल कृष्णन को कॉन्टेक्ट किया। अडूर गोपाल कृष्णन ये केरल और साउथ के जाने माने फिल्म मेकर और डायरेक्टर है। मम्मूटी सर ने अडूर जी के साथ कुछ फिल्मों में काम किया था। जब्बार पटेल जी अडूर जी को लेकर मम्मूटी सर के घर केरल चले गए। जब्बार पटेल ने जब मम्मूटी सर से कहा वो बाबा साहब के फिल्म बना रहे हैं और उनको इस फिल्म में लेना चाहते हैं, तब मम्मूटी सर ने उनसे पूछा फिल्म में उनका क्या रोल होगा। जब्बार पटेल जी ने जब उनसे कहा आप बाबा साहब का टाइटल रोल प्ले करेंगे, तब मम्मूटी सर हैरान हो गए और जब्बार पटेल जी से पूछा उनको ऐसा क्यों लगता है वो बाबा साहब जैसे दिखते हैं और ये रोल कर सकेंगे। मम्मूटी सर ने ये भी पूछा क्या बाबा साहब का रोल इसलिए ऑफर किया जा रहा है क्योंकि फिल्मों में आने से पहले वो एक लॉयर थे। जी हाँ दोस्तों, मम्मूटी सर LLB पास आउट है गवर्नमेंट कॉलेज एर्नाकुलम से। फिल्मों में एक्टर बनने से पहले 2 साल तक मम्मूटी सर ने लॉयर की प्रैक्टिस की थी। जब मम्मूटी सर को पता चला बाबा साहब के रोल के लिए उनको अपनी मूछें मुंडवानी पड़ेगी, तब उन्होंने ये रोल करने से साफ इनकार कर दिया। मम्मूटी सर ने जब्बार पटेल जी और अडूर जी की काफी अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी की। लंच के बाद में जब्बार पटेल ने वो 4 कंप्यूटर ग्राफिक्स वाले फोटोग्राफ्स मम्मूटी सर को दिखाए। मम्मूटी सर अपने आप को बाबा साहब के रूप में देखकर दंग रह गए और फोटोज लेकर भागे किचन में अपने पत्नी को दिखाने, लेकिन फिल्म करने के लिए फिर भी रेडी नहीं हुए। जब्बार पटेल जी को फिर से मायूस होकर केरल से बॉम्बे लौटना पड़ा। अडूर जी ने जब्बार पटेल जी से कहा कुछ दिनों के बाद वो फिर से मम्मूटी सर से बात करेंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे।
अडूर जी ने मम्मूटी सर को समझाया, ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, अगर आप ये रोल नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। वैसे भी जब्बार पटेल जी फिल्म तो बना ही रहे हैं, भविष्य में कहीं आपको ये ना लगे काश मैंने वो अम्बेडकर का रोल कर लिया होता। ये सुनकर मम्मूटी सर मान गए और उन्होंने ये रोल एक्सेप्ट कर लिया। उनका यह फैसला बहुत ही अच्छा साबित हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब फिल्म के लिए मम्मूटी सर को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिल गया। दोस्तों आगे इस वीडियो में मैं बताऊंगा मम्मूटी सर ने कितनी मेहनत की इस रोल को करने में, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर करके हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। फिल्म में बाबा साहब की बढ़ती उम्र के हिसाब से अलग अलग रूप दिखाने थे, जैसे जवानी का लुक जब बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए गए थे 1915 में पढ़ाई करने के लिए, फिर उनका 40 और 50 साल की उम्र का लुक दिखाना था जब बाबा साहब पॉलिटिक्स में थे और दलितों के हकों के लिए लड़ रहे थे, और आखिर में बुढ़ापे का लुक दिखाना था जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर में ली थी। दाद देनी होगी रिसर्च टीम और मेकअप आर्टिस्ट विक्रम गायकवाड़ की, जिन्होंने मम्मूटी सर को बहुत अच्छा मेकअप किया अलग अलग उम्र के हिसाब से। बाबा साहब को 45 उम्र के बाद में अलग रूप में दिखाना था, जैसे बाबा साहब को थोड़ा मोटा दिखाना था, सर के बाल सामने से थोड़े कम हो गए हैं ये दिखाना था, और उनके गाल थोड़े फूले हुए हैं ये दिखाना था। मेकअप आर्टिस्ट विक्रम गायकवाड़ के सामने चुनौती ये थी कि बाबा साहब का चेहरा गोल था और मम्मूटी सर का चेहरा लंबा है। मम्मूटी सर के गालों को फूला हुआ दिखाने के लिए नकली दांतों के डेंचर्स बनाए गए, जिनको पहनकर मम्मूटी सर ठीक से अपने डायलॉग्स नहीं बोल पाते। शॉट खत्म हो जाने के बाद में जब वो अपने डेंचर्स निकालते तब उनके मुंह से खून आ जाता, और ऐसा 2-3 महीने तक चलता रहा। मम्मूटी सर का मेकअप कम से कम 2-3 घंटे तक चलता और वो मेकअप 4 घंटे से ज्यादा नहीं टिक पाता। मम्मूटी सर ने एक किस्सा सुनाया था, जब वो पुणे यूनिवर्सिटी में शूटिंग कर रहे थे, वहाँ के प्रोफेसर ने मम्मूटी सर को सच में बाबा साहब समझकर उनके कदमों में गिर पड़े। ये था मेकअप का जादू और बाबा साहब के लिए लोगों का प्यार। छूत अछूत अमानवीय बर्ताव, पीड़ा जो बाबा साहब ने सही थी, उनके दुख दर्द और दिल के अंदर जो गुस्सा था, इन सब बातों को मम्मूटी सर ने अपने एक्टिंग के जरिए बहुत अच्छी तरीके से पेश किया था। फिल्म सबसे पहले इंग्लिश और हिंदी में बनाई गई। मम्मूटी सर ने डबिंग में हर एक शब्द पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दिया और फिल्म में ऑक्सफोर्ड स्टाइल की इंग्लिश भी बहुत अच्छी तरीके से बोली। दोस्तों आगे इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे इतना सारा रिसर्च किया गया, लोकेशन, सेट, शूटिंग, स्क्रीन प्ले, म्यूजिक, गाने और बैकग्राउंड साउंड पे कैसे काम किया गया। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पूरी फिल्म बनाने के लिए तकरीबन 9 साल का रिसर्च किया गया था। बाबा साहब पे फिल्म बनाना इतना आसान काम नहीं था। विषय इतना कॉन्ट्रोवर्शियल है और विवादित है कि एक छोटी सी भूल हो जाए तो पूरा दलित समाज बुरा मानेगा, या फिर और धर्मों के लोग भी बुरा मान सकते थे और विवाद खड़ा हो सकता था। इसीलिए बाबा साहब पे फिल्म बनाने के लिए जब्बार पटेल जी पूरी दुनिया घूमे, जहाँ जहाँ पे बाबा साहब गए थे पढ़ाई की थी और जितना हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन जमा कर ली। जब्बार पटेल जी कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए भी गए, जहाँ पे बाबा साहब ने अपना डबल एमए और पीएचडी पूरी कर ली थी, वो भी 3 साल में। जब्बार पटेल जी वालक हॉल ये जगह भी गए जहाँ पे बाबा साहब रहते थे। वालक हॉल ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी की डॉर्मेंट्री यानी गेस्ट हाउस है, जिसको पहले लिविंगस्टोन हॉल भी बोला जाता था। वालक हॉल कोलंबिया यूनिवर्सिटी से नजदीक है, पैदल भी चलकर जा सकते हैं। वालक हॉल एरिया के आसपास निग्रो यानी काले लोगों की बस्ती है, जिसे कहते हैं हार्लेम। 1996 में जब जब्बार पटेल यहाँ गए थे तब उन्होंने देखा वहाँ पे काले लोग बहुत ही गरीब हैं और झोपड़ों में रहते हैं। फिल्म के शुरू में दिखाया गया है बाबा साहब के सामने एक गोरा आदमी एक काले आदमी को बुरी तरह से पीट रहा है। जब्बार पटेल जी ने वहाँ पे पुलिस की हेल्प ली थी ये शॉर्ट फिल्माने के लिए। हो सकता है फिल्म में दिखाया गया हादसा बाबा साहब ने वॉलेक हॉल एरिया के आसपास देखा हो। जब्बार पटेल जी फिर ग्रेज इन बारेट लॉ लंदन भी गए थे, जहाँ पे बाबा साहब ने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की थी। बाबा साहब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी गए थे, जहाँ पे उन्होंने डॉक्टरेट थीसिस पे काम किया था। दोस्तों बताना चाहूंगा, लंदन में जहाँ पे बाबा साहब रहते थे वो पूरा अपार्टमेंट महाराष्ट्र सरकार ने खरीद लिया है 35 करोड़ में अगस्त 2015 में। बाबा साहब का लंदन वाला घर आज भी लोग जाकर देख सकते हैं, पर्यटक टूरिस्ट लोगों के लिए आज भी खुला है। कभी अगर आपका लंदन जाना हुआ तो बाबा साहब के घर जरूर जाना, इसका एड्रेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लंदन ब्रिटिश लाइब्रेरी जहाँ पे बाबा साहब पढ़ाई करते थे वो भी फिल्म में दिखाई गई है। जिस सीट पे बाबा साहब बैठा करते थे वो सीट ब्रिटिश लाइब्रेरी में बाबा साहब की सीट के नाम से जानी जाती है। फिल्म की 40% शूटिंग यूएसए और लंदन में की गई थी। बताना चाहूंगा फिल्म का पहला शॉट लंदन में शूट किया गया था, जिसमें बाबा साहब लंदन में रास्ता क्रॉस करते हुए दिखाई देते हैं।
फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की थी अशोक मेहता ने और आर्ट डायरेक्शन किया था नितिन देसाई ने। डायरेक्टर की सोच और डायरेक्टर की विजन को कैमरामैन और आर्ट डायरेक्टर हकीकत में ढालते हैं। आर्ट डायरेक्शन पे बहुत मेहनत की नितिन देसाई और अशोक मेहता जी ने। अशोक मेहता जी ने बहुत ही दिल से काम किया, बहुत कुछ इमेजिनेशन से किया गया था। पीरियड ड्रामा फिल्म होने की वजह से फिल्म में 1895 से लेकर 1956 का दौर दिखाया गया था। बाबा साहब के इस्तेमाल किए गए सामान और फर्नीचर का भी इस्तेमाल किया गया था। उस दौर के घर, रास्ते, कपड़े, ईरानी होटल, बस, ट्रेन, इन सब बातों को रियल दिखाना था। हर एक एंटिक चीज जैसे पुराना रेडियो, वॉयलिन, टेबल, कुर्सी, घड़ी, दिया, ग्लासेस अशोक मेहता जी ने बॉम्बे के चोर बाजार से खरीदे थे और नितिन देसाई को लाकर दिए थे ताकि वो हर चीज अपने सेट में लगा सकें, जो जहां होनी चाहिए वो दिखा सके। बाबा साहब अमेरिका और लंदन में रहे थे तो वहां के पुराने स्टाइल के कपड़े ढूंढने पड़े थे, कुछ सिलवाने भी पड़े थे। अमेरिका और लंदन में शूटिंग करने के लिए वहां के लोगों की मदद लेनी पड़ी थी। फिल्म की अधिकतर शूटिंग रियल लोकेशन पे की गई थी। जहां पे मुमकिन नहीं था फिल्म के ज्यादातर शूटिंग बॉम्बे के फिल्म सिटी स्टूडियो में की गई थी। अब तक भारतीय सिनेमा की हिस्ट्री में इतने बड़े सेट नहीं लगाए गए थे, ऐसा गर्व से जब्बार पटेल जी कहते हैं। बाबा साहब 1912 से लेकर 1934 तक परेल मुंबई के चौल में रहे थे 22 साल तक। इस चौल का नाम था बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट चौल। इस चौल में बाबा साहब के चार संतान गुजर गए। तीन बेटों का नाम था गंगाधर, रमेश, राजरत्न और एक बेटी का नाम था इंदु। ये चारों संतान इसी बीआईटी चौल में गुजर गए थे। बाबा साहब का सिर्फ एक ही बेटा जीवित रहा, श्री यशवंत अंबेडकर, जो 1977 में गुजर गए, और उन्हीं के बेटे हैं प्रकाश अंबेडकर। बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट चौल का भी सेट स्टूडियो में ही बनाया गया था। पोस्ट प्रोडक्शन का पूरा काम अमेरिका में किया गया था। फिल्म के कलर्स और विजुअल्स पे काम किया गया था। नितिन देसाई को बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का नेशनल अवार्ड मिल गया। इसका 60% क्रेडिट अशोक मेहता जी को भी जाता है। दोस्तों अगर हम स्क्रीन प्ले की बात करें तो स्क्रीन प्ले पे तीन लोगों ने काम किया था, वो थे दया पवार, अरुण साधु और सोनू तारापुर वाला। दया पवार जी एक मराठी लेखक और कवि थे। दया पवार जी के जरिए जब्बार पटेल काफी अंबेडकरवादी लोग, नेता और कार्यकर्ताओं से मिले थे, उनसे काफी इन्फॉर्मेशन हासिल की थी। अंबेडकरवादी जनता या किसी और समाज को ये ना लगे फिल्म में कुछ गलत दिखाया गया है, इसलिए पारदर्शिता लाने के लिए जब्बार पटेल जी ने अरुण साधु जी को भी स्क्रिप्ट राइटिंग में शामिल किया था। अरुण साधु एक फेमस लेखक और पत्रकार थे। इसके अलावा श्री वाईडी फड़के जी ने भी हर एक स्क्रिप्ट की जांच पड़ताल की थी ताकि फिल्म रिलीज होने के बाद में कोई विवाद ना खड़ा हो जाए। उस वक्त फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड की अध्यक्ष आशा पारिक जी थी। उनको हर बात का प्रमाण दिया गया फिल्म को सर्टिफाइड करने के लिए। दोस्तों अगर हम म्यूजिक और बैकग्राउंड साउंड की बात करें तो फिल्म का पूरा म्यूजिक और बैकग्राउंड साउंड अमर हल्दीपुर ने दिया था। फिल्म में एक गाना एक कबीर भजन और त्रिशरण मतलब बुद्धम शरणम गच्छामि ये प्रार्थना को रखा गया था। त्रिशरण को कंपोज करना थोड़ा मुश्किल था। मास्टर कृष्णा ने त्रिशरण को कंपोज किया था। त्रिशरण फिल्म के आखिर में सुनाई देता है जब बाबा साहब नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं लाखों दलित भाई बहनों के साथ। त्रिशरण में भारतीय राग का इस्तेमाल किया गया था। आंखें बंद करके जब हम बुद्धम शरणम गच्छामि सुनते हैं तब दिल को एक अजीब सुकून और शांति मिलती है। फिल्म का बैकग्राउंड साउंड अपने आप में बहुत ही खास और महत्व रखता है। फिल्म की 40% शूटिंग अमेरिका और लंदन में की गई थी, इसीलिए बैकग्राउंड में सिम्फनी म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया था। फिल्म 1895 से लेकर 1956 इस दौर की है, इसीलिए उस दौर का म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया। अमर हल्दीपुर ने बहुत मेहनत करके उस दौर के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जमा किया। उन इंस्ट्रूमेंट साजों को बजाने के लिए वैसे लोगों को ढूंढा गया और उन्हीं से म्यूजिक बजाया गया। बताना चाहूंगा वेस्टर्न टाइप की सिम्फनी म्यूजिक में भी भारतीय साजो सामान का इस्तेमाल किया गया। बैकग्राउंड साउंड की स्पेशलिटी ये थी कि एनालॉग म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया, डिजिटल म्यूजिक और कीबोर्ड का इस्तेमाल जरा भी नहीं किया गया था। दोस्तों आगे इसी वीडियो में मैं बताऊंगा मम्मुट्टी सर के अलावा फिल्म में कौन से और कलाकारों ने क्या काम किया था और बताऊंगा फिल्म के रिलीज हो जाने के बाद में फिल्म का रिस्पांस कैसा रहा। ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार, डॉक्टर श्रीराम लागू, बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर जी ने फिल्म के तारीफ में क्या कहा, तो इस वीडियो का एंड तक देखिए। लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आइए अब जानते हैं फिल्म का रिस्पांस कैसा रहा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिल गया। फिल्म के तारीफ में दिलीप कुमार जी ने जब्बार पटेल से कहा, जब्बार आजकल ऐसी फिल्में कहाँ बनती हैं, और उन्होंने मम्मूटी जी के एक्टिंग की काफी तारीफ की और जब्बार पटेल से मम्मूटी जी का फोन नंबर लेकर मम्मूटी जी से तकरीबन 30 मिनट तक बातें की। डॉक्टर श्रीराम लागू ने तो कुछ अलग ही तारीफ की। उन्होंने कहा बाबा साहब ने जो पीड़ा दर्द सहा था
वो मम्मूटी जी अपने एक्टिंग के जरिए दिखाने में कामयाब रहे और बाबा साहब के चेहरे पर जो बुद्धिमान होने का नूर था, चमक थी, वो मम्मूटी सर के चेहरे पर नजर आई। बाबा साहब के पोते प्रकाश अम्बेडकर ने जब ये फिल्म देखी तो जब्बार पटेल जी से कहा, अब तक उनके पूजा घर में सिर्फ दो तस्वीरें हैं, बाबा साहब और भगवान बौद्ध की। अब से मम्मूटी सर की भी तस्वीर होगी उनके पूजा घर में। आइए दोस्तों, आप जानते हैं फिल्म में मम्मूटी सर के अलावा किन लोगों ने क्या खास रोल किया था। बाबा साहब के पिता सुबेदार रामजी सकपाल का रोल किया था गोविंद नामदेव जी ने। बाबा साहब के पहली पत्नी रमाबाई का रोल किया था सोनाली कुलकर्णी ने। छोटी रमाबाई का रोल किया था प्रिया बापट ने। बाबा साहब की दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर का रोल किया था मृणाल कुलकर्णी ने। गांधी जी का रोल किया था मोहन गोखले ने। सयाजीराव गायकवाड़ का रोल किया था अंजन श्रीवास्तव ने। छत्रपति शाहू महाराज जी का रोल किया था राहुल सोलापुरकर ने। और मनुस्मृति दहन के एक सीन में नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी नजर आते हैं। दोस्तों, बाबा साहब जैसा इंसान सदियों में सिर्फ एक पैदा होता है। इस वीडियो के जरिए मैं अपने चैनल की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान बौद्ध को सर झुकाकर नमन करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करके हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भीम।